हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल पे सब्सक्राइब वाली बटन जो आती है नीचे स्लाइड होके और उसके साइड में बेल इंट्रो जो आता है उसको आप किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये वीडियो डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो कुछ इस तरह का है, इसको आप डाउनलोड करके आप काइन मास्टर में एडिटिंग उसके बाद स्टार्ट करिए। तो चलिए, इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं उसको बताता हूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको अपने मेनू में आना है। मेनू में जाने के बाद अपने काइन मास्टर को ओपन करना है, तो मैं चलिए ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ तो यार फ्रेंड्स, ये मेरा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ये चूज कर लेना है। उसके बाद आपको चूज करना है वो वाली वीडियो जो आपने डाउनलोड किया हुआ था वहाँ से। हाँ तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद वही वाला वीडियो आपको लेना है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आप क्रोमा की इनेबल करेंगे तो बैकग्राउंड आपका शो हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये एक्सपोर्ट वाला जो है, यानी सॉरी, यानी कि जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये डाउनलोड मैंने किया हुआ है। डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ये आ चुका है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखा भी सकता हूँ। ये यहाँ पे आ चुका है, तो आपको यहाँ पे इसको ले लेना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आना है आपको प्ले स्टोर में, या फिर आपके पास अगर पिक्सआर्ट ऐप है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास पिक्सआर्ट ऐप नहीं है तो पिक्सआर्ट ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे पास है पिक्सआर्ट ऐप, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है आपको। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एकदम चले जाना है, यहाँ पर आना है और ट्रांसपेरेंट वाला यहाँ पर आइकन आपको चूज कर लेना है। ये व्हाइट के साइड में ट्रांसपेरेंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया स्क्रीन आएगा और ये ट्रांसपेरेंट वाला खुल के आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसपेरेंट का मेरे सामने खुल चुका है और मैं इसमें कुछ अब टाइपिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है अपने चैनल का नाम। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप करता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पर आपको जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है अपने चैनल का नाम। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके चैनल का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, मैं जैसे यहाँ पे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बड़ा रखना है और यहाँ पे साइड में कर देना है इसको। और इतना करने के बाद आपको फिर दूसरा टेक्स्ट लेना है, तो चलिए मैं उसको भी करके दिखाता हूँ आपको। हाँ तो यार फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि आपको ये जो करना है, ये इसको अपने यानी कि अक्षर को यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक की आप करेंगे तभी आपको वो जो वाइट वाला बैकग्राउंड है सब्सक्राइब बटन वाला, उस पर आपका ये ब्लैक शो करेगा। अगर वाइट वाइट रहेगा तो उस पर आपका दिखेगा ही नहीं, इसलिए आपको इसको ब्लैक कर देना है। या आप जो भी डिफरेंट कलर देना चाहते हैं वाइट के सिवाय दे सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको फिर से जाना है यहाँ पे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको जो भी टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सब्सक्राइब फॉर मोर एविसम वीडियोज। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है कि सब्सक्राइब फॉर मोर एविसम वीडियोज। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे किनारे से बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ डाउन में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि वहाँ पे सेटिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा इसका। तो ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी बेटर लग रहा है। उसके बाद कलर में आपको जाना है। कलर में आपको ये इसको कर देना है थोड़ा सा डार्क रेड में। तो डार्क रेड में आपकी करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। आपको अपने हिसाब से जो करना हो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आगे करके इसको प्रोसेस बताता हूँ। हाँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इतना मैंने यहाँ पे काम कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इससे किनारे वाले एरो पे क्लिक करके आपको इसको कर देना है सेव। काइन मास्टर में चलता हूँ अपने। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको काइन मास्टर में आने के बाद इसको थोड़ा सा यानी कि बीच में कर लीजिए, ये तभी इसमें सेटिंग करने में अच्छा रहेगा कि आप कहाँ पर सेट कर रहे हैं। और आपको फिर उसके बाद लेयर में जाना है। पहले आप अपने चैनल का यहाँ पर लोगो दे दीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट करिएगा। तो लोगो देने के लिए आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में आप जहाँ पे भी लोगो जिस फाइल में रखे होंगे वहाँ से आप अपना लोगो चैनल का ले लीजिए
उसके बाद आप अपना यहाँ पे एंटर कर दीजिए। हाँ तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने लोगो पे, यानी कि लोगो जो मैंने बना रखा है अपने चैनल का, वो अपना मैं लोगो पहले यहाँ पे एंटर करता हूँ। फ्रेंड्स ये है मेरा लोगो, और मैं अपना लोगो यहाँ पे ला चुका हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा, और यहाँ पे ला के मैं इसको करूँगा सेट। आप अपना भी लोगो यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे किनारे ला के कर देता हूँ इसको। ओके ठीक है, टिक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आप अपने लोगों का, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन बढ़ा लीजिए, और इसको सो यहाँ थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी कि लास्ट तक ही करना है आपको जहाँ तक ये है आपका। ठीक है, यहाँ तक रखना है आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका जो एनिमेशन है, एनिमेशन में अपने लोगों के एनिमेशन में थोड़ा सा बीच में जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन एनिमेशन पे जाना है आपको, यहाँ पे स्लाइड डाउन का एनिमेशन, सॉरी स्लाइड अप का एनिमेशन पहले यहाँ पे देना है आपको, स्लाइड अप। और ये जो इसकी स्पीड है, यहाँ पे स्पीड आपको 0.5 कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद यहीं पे जाना है आपको, उसके बाद आउट एनिमेशन आपको दिख रहा है, आउट एनिमेशन पे जाने के बाद आपको स्लाइड डाउन कर देना है यहाँ पे, यानी कि ये इसके साथ ऊपर नीचे होगा उस, और 0.5 इसको भी आपको कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और देखते हैं ये कैसा लग रहा है इसके साथ, और प्ले करता हूँ मैं उसके बाद। हाँ तो ये एकदम बेटर है इसके साथ, यानी कि ये जैसे ही गया उसके साथ ये भी गया, और इसके साथ ये नीचे भी आ गया है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद आपने जो पिक्सार्ट में यानी कि लोगो तैयार की, यानी कि जो टेक्स्ट तैयार किया था उसको यहाँ पे सेट करिए। तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा लेयर में, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है, मीडिया से आप अपना पिक्सार्ट यानी कि जो आपने बनाया था उसमें से उसको यहाँ से आप चूज कर लीजिए। ये है मेरा पिक्सार्ट, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, और मैंने ये बनाया हुआ था और ये मैंने कर लिया है चूज, और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा, और यहाँ पे ला के मैं इसको करता हूँ सेट। तो जहाँ तक है कि ये सेट अच्छा ही है, और यहाँ पे ला के इसको कर दीजिए इस तरीके से सेट। तो यहाँ पे ये हो चुका है सेट, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब जो बटन है उसमें टच ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से कर दीजिए इसको आप इन एनिमेशन में जाके, फिर से इसका भी एनिमेशन आप दे दीजिए थोड़ा सा। एनिमेशन में आपको जाके देना है स्लाइड अप का एनिमेशन, आपको इसमें भी दे देना है, और इसकी स्पीड भी आपको 0.5 कर देनी है, और उसके बाद कर देना है टिक आपको इसका डायरेक्शन, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना है डायरेक्शन, इसका बढ़ाने के बाद यहाँ से डायरेक्शन इसका छोटा कर लेना है, और इस पर भी आपको दे देना है, यानी कि एनिमेशन, एनिमेशन में आपको स्लाइड अप का देना है पहले, उसके बाद टिक करने के बाद आपको फिर से इसी में जाना है, उसके बाद आपको देना है आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन में आपको दे देना है स्लाइड डाउन का एनिमेशन। तो स्लाइड डाउन का एनिमेशन देंगे तो इसके साथ इसकी स्पीड भी आपको 0.5 कर देनी है, और ये हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मैं इसको चलिए प्ले करता हूँ। ये इसके साथ काफ़ी बेटर है, यानी कि आ जा रहा है, यानी कि एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आप अपने तरीके से जैसा इसको सेट करना चाहेंगे कर लीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लिया है, ये मैं अपने चैनल पर थोड़ा यूज करना चाहता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से लगता है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया थोड़ा, आप इसको देख सकते हैं कि। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया है, इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरीके से प्ले हो रहा है, और मैं आप इसको करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से प्ले हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट करके अपने किसी वीडियो में इसको मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इसको। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो आप एक्सपोर्ट करने के बाद उसके बाद अपने वीडियो में प्ले करिएगा, उस तरीके से देखिएगा कि आपके वीडियो में ये किस तरीके से काम करेगा। मैं चलिए आपको अपने भी वीडियो में करके दिखा दे रहा हूँ एक्सपोर्ट, ये होने वाला है, ये हो चुका है एक्सपोर्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, और कोई सी भी एक वीडियो यहाँ से मैं यानी कि ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई एक वीडियो लेता हूँ मीडिया में जाके। हाँ तो यहाँ से मैं कोई एक वीडियो चूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये वीडियो चूज कर ली, और मान लीजिए यहीं से हमको दिखाना है, और इसको मैं गया मीडिया में, और एक्सपोर्ट वाले को मैंने ये चूज कर लिया, और ये है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, और उसके बाद कर देता हूँ इस, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रोमा की आपको जाके इनेबल कर देना है, क्रोमा की अगर आप इनेबल करेंगे तभी ये काम करेगा, नहीं फिर काम करने वाला नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से उसके बाद मैं ये प्ले
हाँ तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने दिखा दिया आपको, ये पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पे सेट भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक कर देना यार, क्योंकि यार काफी यूनिक वीडियो थी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो आपको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।